अध्याय 3 देख रहे हैं। सरकार क्या है? सरकार क्या है पे बात करेंगे आज। आपने सरकार शब्द का जिक्र जरूर सुना होगा। हम यहां जानेंगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में क्या कितनी इंपॉर्टेंस है या महत्वपूर्ण है इस सरकार शब्द का। सरकारें करती क्या है, वो निर्णय कैसे लेती है, और अलग अलग के तरीके की सरकार, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार या राजतंत्रीय मोनार्की वाली सरकार, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो आप देखिए कि न्यूज़पेपर की जो आपने कटिंग देखी होगी, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में आपने जो फ्लैशिंग न्यूज़ देखी, उसमें जरूर ये सब चीजें देखी होगी। सरकारों से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो सरकार बहुत सारी चीजें करती हैं और सब चीजें सरकार से हम लोग मांगते हैं या सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम देखेंगे। ये जो चीजें हैं इसको हम सॉल्व करेंगे या बात करेंगे जब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए या लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाई जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर, जैसे चीजों के दाम अगर बढ़ गए, जैसे प्याज टमाटर के जो बेसिक नेसेसिटी है उसको कैसे घटाया जाए, और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की एजुकेशन पे काम कैसे किया जाए, बेरोजगारी कैसे हटाई जाए। तो सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, सरकार जब गरीबों की मदद के करने के लिए बहुत सारे काम करती है, उनके लिए अलग अलग अपनी प्लानिंग चलाती है या कहें कि स्कीम चलाती है। इसके अलावा वे अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं, ये सब सरकार के जिम्मे है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, और दूसरे देशों के, खास तौर पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उनकी जिम्मेदारी ये होती है ये सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को भोजन यानी फूड और हेल्थ सर्विसेज, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, मान लीजिए सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो नेचुरल कैलमिटीज का नाम हम देते हैं, उसमें सरकार ही जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो, या कोई अपराध करता है तो लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं न्यायालय, यानी कि कोर्ट। अब कोर्ट जो है वो भी सरकार का ही अंग है। आपको ये जान के जरूर आश्चर्य हो सकता है कि सरकार इतना सब कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। फिर से हम ये जो सवाल है ये प्रश्न उत्तर में करेंगे। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक प्लानिंग की जरूरत होती है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक रूप या कहें आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो, हर एक सिटीजन पे लागू हो। उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग जो सिटीजन्स हैं सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वे नियम बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे ये अगर आप पिक्चर्स देखें तो ये हम सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ये वो उदाहरण है जो सरकार के अंग है। जैसे भारत पेट्रोलियम, जैसे कि इंडियन रेल, भारतीय रेल। अब सरकार के जो स्तर होते हैं या आप कहें कि लेवल्स होते हैं, आपको पता है अब कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों में व्यस्त है, चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोचते हो कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? एक्चुअली ये दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि आपने देखा होगा आपके घर के पास आपका वार्ड मेंबर रहता होगा, ऐसी बहुत अलग अलग वार्ड में आप शहर को बांटा गया है। अब जब शहर मिलते हैं तो आपका स्टेट बनता है। अब स्टेट में आप देखेंगे एक पूरे स्टेट के लिए एक आपका आप विधायक चूज करते हैं अपने एरिया से। वो जो विधायक होता है, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो मिलके एक चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। वो चीफ मिनिस्टर जो होता है उस स्टेट का मेन की आदमी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो
स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव और शहर मोहल्ले से है, राज्य स्तर का मतलब आपके पूरे राज्य से है, जैसे आप 29 राज्य है हमारे पास, हरियाणा आसाम इसका एग्जाम्पल ले लें। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इस डिस्कशन में आप आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी या स्थानीय सरकार किस तरीके से काम करती है और कैसे हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सरकारों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर हम पूरे देश की बात करें, यह हमारा इंडियन सॉवरन स्टेट है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दिल्ली में हमारी सरकार होती है, जो जो पूरे देश के लिए स्कीम्स चलाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, और बाकी जो मैंने अलग अलग चीज कही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब इन हर एक स्टेट की एक एक सरकार है। जैसे अगर आप राजस्थान में भी जाएंगे तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी एक है। अब ये अलग अलग पार्टियां होती है, इससे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप समझ लीजिए कि सरकार वो सरकार है जिसको लोगों ने चुना है। अब वो किसी भी पार्टी की हो सकती है, जैसे यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में देखें तो अभी कांग्रेस की सरकार है, 2019 से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन ये जितने भी लोग आते हैं, जितने भी ये एमएलए बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इनका एक ही काम है, इनका एक काम है कि ये हमारे लिए एक एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि हम जो टैक्स देते हैं, हमारे हमारे लिए वो सेवा करते हैं, हमारे लिए स्कीम्स बनाते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं और हमारी मदद करते हैं, हमारी परेशानियों को सॉल्व करना इनका काम है। यानी कि एक तरीके से आपको, अगर मैं, कई लोग इसको नहीं मानेंगे, आपने उनको हायर किया हुआ है, देश के लोग इनको हायर करते हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो। हम अपने देश की बात करें, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये आपका एक तालिका दी हुई है, इसमें आप नजर दौड़ाना ही है आपको, और आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार किस तरह से काम कर रही है, राइट? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में आएगा। तो सरकार एवं कानून, तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ताकत भी होती है कि उस कानून को लागू करें। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो सरकार की तरफ से ये लॉ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस नहीं है किसी के पास और गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसको जुर्माना हो सकता है या उसको जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, अच्छा, इसको पुलिस लागू करती है, जो रूल्स रेगुलेशन है ना, उसका काम ये होता है कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो पुलिस उसमें बीच में आती है, मतलब पुलिस का रोल होता है। फिर सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग इस पे इस तरीके से कदम उठा सकते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही है या कोई ऐसी चीज हो गई जो जो सरकार के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यायालय जा सकते हैं, वो इस कानून का पालन करवा सकते हैं। क्योंकि न्यायालय में आपने देखा होगा कि जो न्याय करता है उसकी आंखों में काली पट्टी बंधी होती है, वो केवल रूल और रेगुलेशन के हिसाब से डिसीजन लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पुअर है, कोई वेल्दी है, नहीं, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होगा। सरकार के अलग अलग प्रकार होते हैं। सरकार को निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग में या कानूनों का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य कराने करवाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो इस सवाल का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर है, इस बात पे निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की सरकार है, मोस्टली डेमोक्रेसीज है। लोकतंत्र, लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र है, हम लोग डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र में लोग सरकार को ये शक्ति देते हैं, यानी कि हम उनको हायर करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने उनको नौकरी दी हुई है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, हम वोट करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएलडी है, या बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, आप कोई किसी भी का भी नाम ले लीजिए, इनके अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं। हर एक पार्टी का एक एक व्यू होता है, एक मैनिफेस्टो होता है, और उनकी विचारधारा होती है। जो विचारधारा से आप सहमत होते हैं, जिसने जो देश के लिए काम करना चाहता है, या बेरोजगारी हटाना चाहता है, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहता है, आप उनको वोट देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। तो वे अपनी पसंद से नेता को वोट करते हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, यानी कि ये लोग उस
विधायक या फिर आप कहें एमपी बनते हैं, और फिर वो अपने नेता को चूज करते हैं, वो लोग अपने आप नेता को चूज करते हैं, आपने उनको पावर दिया कि आप अपने नेता को चूज करो। तो लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए हुए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, यानी कि आपने जिनको हायर किया है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके बारे में बताने के लिए कि आपने उन्होंने आपके लिए हेल्थ के लिए क्या काम किया, उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या किया। तो एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जिसे हम मोनार्की कहते हैं। इसमें राजा और रानी के पास निर्णय लेने का एक एक अधिकार है, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास एक छोटा समूह होता है सलाहकारों का, जिससे वे अब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वो खुद लेते हैं। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, वो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, वो किसी को आंसर देना नहीं पड़ता, वो किसी को सफाई नहीं देते कि उन्होंने उन्होंने क्या निर्णय लिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो उनको उसका उसको डिफेंड करना होगा, क्या वो देश के नागरिकों के लिए उचित है या अनुचित है। ये और सवाल है जिसको हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में करेंगे। अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में समझिए। लोकतांत्रिक समाज सरकार जो हमारे देश में चलती है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है संसार में और कई देश में, जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। आपने देखा कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, अपने लीडर को चुनने की शक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ये लीडर है, ये हमको लीड करें, यानी हमने इनको शक्ति दी हुई है। हम बेसिकली हम लोग हैं जो सरकार चलाते हैं, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। हम लोग सरकार चला रहे हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया से वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो जो रूल बनाएंगे हमको मान्य होगा। तो ये मतदान का एक पिक्चर है आपके सामने, फिगर है। यहाँ पर मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान यहाँ लगाया जाता है, ताकि वह केवल एक वोट दे सके। एक ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य है। अब हमने जो प्रतिनिधि चुने, ये प्रतिनिधि आपस में मिलकर ये सारी जनता के लिए निर्णय ले सकते हैं। हमने उनको ये अथॉरिटी लेटर दे दिया, समझ लीजिए एक तरीके से अथॉरिटी दे दी। तो आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क वयस्क नागरिकों, हमारे देश में 18 से ऊपर वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा समय था जहां पर औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग ही नहीं लेने दिया जाता था? सोचिए आप, आज सोच सकते हैं कि पहले ऐसा होता था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो या तो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, और जिनके पास वेल्थ है, संपत्ति है। इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर मिलकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई सारे नेता हैं, उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी ये जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी लिखते हैं, मैं यह विचार सहन ही नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है, कैरेक्टर है, पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मैं आपको बाहर की बात बताता हूं, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी, किसी ने नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब महिलाओं द्वारा मताधिकार यानी कि वोटिंग के लिए किए गए संघर्ष में ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। हुआ कैसे? इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, सफरेज, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। तो सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार।
अब होता ये था कि युद्ध के दौरान बहुत सारे पुरुष लड़ाई में चले जाते थे, इसलिए महिलाओं को उनके काम करने पड़ते थे, उनको काम के लिए बुलाया जाता था जो पहले पुरुष करते थे। लेकिन जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उसकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो महिलाओं की क्षमताओं पे जिनको शक था या उनकी क्षमताओं पे जो रूढ़िबद्ध तरीके से चला आ रहा था, रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि महिलाएं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, वो तो हतप्रभ रह गए, ये तो सब काम कर सकती है। तो इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप के योग्य माना जाने लगा कि ये तो सब कुछ कर सकती है, बल्कि अच्छा कर सकती है, पुरुषों से बहुत अच्छा कर सकती है। तो महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। आप सोचिए, अपने वो अधिकार जो उनके होने चाहिए थे उसको पाने के लिए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, कई भूख हड़ताल पर बैठी, कईयों को आप जानते हैं कि ऐसे मूवमेंट को कैसे दबाया जाता है। उसके बाद आशा की किरण और सूरज की पहली किरण जो ये लेके आई, या ये कहें कि होप की, कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में 1928 में मिला। तो ये कुछ बातें हमने आपके समक्ष रखी और आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।